गाइस, सबसे पहले आपको अपने गैलरी से जिस भी फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं उसे आप अपने गैलरी में ओपन कर लीजिएगा। देन दोस्तों, ओपन कर लेने के बाद आपको सिंपल से यहां से शेयर के आइकन पर क्लिक करके और इस वाली फोटो को सीधे हम लोग लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेंगे। तो ये फोटो हम लोग की लाइटरूम में तो शेयर हो चुका है, तो मैं सीधे लाइटरूम ऐप को गाइस ओपन करता हूँ। वहाँ पर सारी प्रोसेस आपका भाई आप लोग के साथ शेयर करने वाला है, बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर करके बताएगा, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मैं फटाफट से लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ। सो गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस मिलेगी। तो ऑल फोटोज के ऑप्शन पे जाके गाइस यहाँ से हम लोग अपनी फोटो को ले लेंगे और लेने के बाद देख सकते हैं यही फोटो है गाइस जिसे हम लोग एडिट करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी लाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जाने के बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके गाइस ना यहाँ पे 39 कर लेंगे। देन दोस्तों, इसकी हाईलाइट की वैल्यू हम लोग डिक्रीज करके -51 कर लेंगे और इसकी शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके गाइस हम लोग 51 कर लेंगे और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू हम लोग डिक्रीज करके ना -26 कर देंगे और वाइट की भी वैल्यू हम लोग डिक्रीज करके -27 कर देंगे। गाइस, ये सेटिंग आप लोग देख सकते हैं और ये सेटिंग आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग कीजिएगा। देन दोस्तों, ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना कलर्स के आइकन पे जाना होगा, यानी कि सेकंड स्टेप हम लोग का कलर वाला होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग इस पे चले जाएंगे गाइस कलर्स के, और कलर्स के आइकन पे जाने के बाद इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज कर देंगे। देन दोस्तों, इसकी ना हम लोग क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू हम लोग ना ऐसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ इसकी टेम्प की वैल्यू हम लोग +8 करेंगे और इसकी टिंट की वैल्यू हम लोग -6 कर देंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आप ऊपर साइड में मिक्स टूल के आइकन पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर को लेके इसकी सैचुरेशन को हम लोग पूरा डिक्रीज कर देंगे और ह्यू को भी हम लोग पूरा डिक्रीज कर देंगे, सैचुरेशन और ह्यू को -100 कर देंगे। देन दोस्तों, इसके बाद हम लोग यहाँ से येलो कलर को लेके इसकी भी सैचुरेशन को हम लोग पूरा डिक्रीज कर देंगे और ह्यू को भी पूरा डिक्रीज कर देंगे। अगेन गाइस, अपनी फेस वाले कलर को लेके इसकी हम लोग सैचुरेशन को डिक्रीज करेंगे और इसकी ल्यूमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको ऊपर साइड में डन के आइकन पे गाइस क्लिक करना होगा और डन के आइकन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की आपकी फोटो गाइस देखने को मिलेगी। तो क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे इफेक्ट के आइकन पे हम लोग जाएंगे और इसकी क्लियरिटी की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके ना +23 कर देंगे गाइस और इसकी डिहाइज की वैल्यू भी हम लोग इंक्रीज करके +14 कर देंगे। देन दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसकी विगनेट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -29 कर देंगे और इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू हम लोग पूरा डिक्रीज करके -0 कर देंगे, सॉरी गाइस 0, और इसकी फेदर की वैल्यू इंक्रीज करके हम लोग ना 80 कर देंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की कमाल की आपकी फ़ोटो ये एडिट हो जाएगी। तो इस फोटो के अंदर हम लोग डिटेल्स को भी ऐड करने वाले हैं, तो डिटेल्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स के आइकन पे जाके इसकी शार्पनिंग की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करके 74 कर लेंगे और इसकी मास्किंग को गाइस हम लोग ऐसा इंक्रीज करके इसकी भी वैल्यू को हम लोग ना 48 कर देंगे और इसकी नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके गाइस हम लोग 24% रख देंगे और नीचे आएंगे इसकी कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके इसे भी हम लोग 22 कर देंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग आप ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप की कमाल की एडिट हो जाएगी। तो आप लोगों ने फोटो में देखा एक पीएनजी को भी हम लोगों ने ऐड किया था, तो इस पीएनजी को ऐड करने के लिए गाइस शेयर के आइकन पर क्लिक करके इस फोटो को हम लोग शेयर कर लेंगे अपने स्नैपशीट ऐप में। तो मैं फटाफट से स्नैपशीट में इस फोटो को ओपन कर लिया हूँ। देन दोस्तों, ओपन हो जाने के बाद आपको इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना होगा और ऐसे नीचे आएंगे डबल एक्सपोजर के आइकन और प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से मैं फटाफट से एक पीएनजी को ऐड कर लूँगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फटाफट से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा गाइज। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो गाइज, इसे लेने के बाद बीच वाले पे क्लिक करके लाइटन करके राइट क्लिक कर देंगे और जैसे ही ये करेंगे तो कुछ इस टाइप की कमाल की आपकी फोटो एडिट हो जाएगी जो देखने में काफ़ी औसम एंड फारसी दिख रही है। तो गाइज, इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक कर देंगे और हम लोग का ये फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।